चूहू हमारा फेस्टिवल 2018 के इनोग्रेशन की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी एमएलए अमित साटम जी हमारे साथ हैं, उनका विधानसभा है। अमित साटम जी, सबसे बड़ी बात है जहाँ यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल को लेकर? नहीं, जुहू हमारा ये बहुत सालों से, जुहू में ये एक सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बहुत सालों से यहाँ पर ये ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है और मुझे ऐसा लगता है कि समाज को एक साथ बांधने का ये बहुत अच्छा एक मौका है जिसमें समाज के सभी स्तरों से सभी उम्र के लोग एक साथ आकर यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं और एक अच्छा माहौल यहाँ पर पैदा होता है। इसमें बहुत सारे लोगों की जो टैलेंट्स होती है वो टैलेंट्स भी बाहर निकलती है, लोगों का अच्छा एंटरटेनमेंट भी इसमें होता है और इसको एक कहे कि एक प्रकार से कम्युनिटी बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, सामाजिक बांधिलगी जिसको मराठी में कहते हैं, वो एक अच्छा एक फीलिंग यहाँ पर उसकी वजह से पैदा हो रहा है और मैं जो हमारे की पूरी टीम को और उस पूरे ग्रुप को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अमित साटम जी, इस पूरे शो में हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान का भी बीच बीच में जिक्र होता नजर आया, ऐसे जुहू विधानसभा या आपके जो विधानसभा है उसको लेकर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण भी शुरू हो चुका है, कितना सर्वेक्षण सक्सेसफुल हुआ है आपकी विधानसभा में? नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो वैसे उस प्रकार से बहुत अच्छी स्वच्छता मेंटेन की जाती है, बहुत अच्छी स्वच्छता मेंटेन करने का प्रयास कॉरपोरेशन की तरफ से भी होता है, हमारी ओर से भी होता है, नागरिकों की ओर से भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 90% काम हो चुका है लेकिन अभी भी 10% करने का बाकी है। इसमें भी बहुत कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, 2-4 स्पॉट्स हैं जहाँ कचरा की कुंडी नहीं होने के बाद भी लोग वहाँ पर कचरा डालते हैं, 1-2 ओपन डिफेकेशन के भी, खुले में शौच करने की भी जगहें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% स्वच्छ भारत का जो अभियान मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तभी मुझे ऐसा लगता है कि उसको यशस्वी होगा जब भी 100% हम इधर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अमित साटम जी, एक सवाल थोड़ा हटके, क्योंकि चैनल हमारा लगातार जरा ध्यान दीजिए, ऐसा एक हम लोग मुहिम चला रहे हैं, जब से मुंबई में कमला मिल में आग लगी है लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आग को लगने की घटनाओं को लेकर लोगों को जागरूक होने के लिए कोई ऐसी सरकार BMC को मुहिम चलानी चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई शहर की अगर आग रोकनी है तो मुंबई महानगरपालिका के भ्रष्टाचार को रोकने की ज़रूरत है। ये बहुत सारी घटनाएं ये मुंबई महानगरपालिका के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार से इन सारी चीज़ों का संबंध है और मैं उसके आगे जाकर यह भी कहना चाहता हूँ कि मुंबई शहर की हर एक गली में कमला मिल कंपाउंड होने की राह देख रहा है। मुंबई शहर में फुटपाथ पर और रास्ते के ऊपर खुले तौर पर कुकिंग, रास्ते के ऊपर खाना बनाकर उसे बेचना सिलेंडर का इस्तेमाल करके, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त ने एक खुला अभियान, इसको जो कैंपेन कहते हैं डिमोलिशन कैंपेन, ये उन्होंने लेना चाहिए और मुंबई शहर के लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। कुकिंग की बात करें तो सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत आपने की थी अपने विधानसभा में, लोगों को गैस सिलेंडर यूज करने के रास्ते को लेकर, फुटपाथ को लेकर अभी भी लोग काबिज हैं, लोगों को चलने के लिए दिक्कतें होती, उसको लेकर क्या मुहिम चला रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट संबंध मुंबई महानगर पालिका के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट और एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार से डायरेक्ट इसका संबंध है। जब तक मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त ये भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंक नहीं देते इन डिपार्टमेंट में से, तब तक ये मुंबई शहर में होता रहेगा, आग लगती रहेगी, लोगों की जान जाती रहेगी। अभी हमारे मुंबईकरों के जान की कितनी कीमत है इसका जवाब तो मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को देना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, ये थे विधायक अमित साटम जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मुंबई में जो आग लगने की घटनाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त की है, कारण जब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा शायद एक इस तरह की घटनाएं पर लगाम नहीं लग पाएगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।